वी हैव क्वेश्चन हेयर के वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द किलोग्राम एंड द मोल हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो यूनिट्स हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के एक है किलोग्राम और एक है मोल तो ये दो यूनिट्स अलग अलग क्यों हैं इन दोनों का क्या हमें जो है वो बेनिफिट मिलता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग इट क्लियर किलोग्राम और मोल दोनों के दोनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट्स नहीं हैं किलोग्राम और मोल जो हैं वो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं दोनों यूनिट्स बिल्कुल एक क्वांटिटी के नहीं हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर हमें इस डायग्राम में जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं सल्फ़र आयरन एन एक कंपाउंड है इसी तरह ये एक कम्पाउंड है और इसके अलावा सी सिक्स एच ट्व सिक्स मीन शुगर टाइप एक कंपाउंड है तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड्स डिफरेंट क्वान्टिट्टीज़ में हैं डिफरेंट मासिस में हैं राइट इनका मास जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन ये सब एक मोल के हैं मींस इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू एक्सपोन ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स विच इज एवेट्रो नंबर सो so, मोल जो है वो रिलेट करता है एवो गट्रो नंबर के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जबकि जो मास है इट्स वो क्वान्टिटी ऑफ मैटर के साथ रिलेट करता है तो ये दोनों क्वान्टिटीज अलग अलग हैं ये दोनों के दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं so kilogram is used to measure the mass used to measure the amount of matter mole is closely related with the number of particles mole relate karta hai number of particles or kisi bhi substance ka one mole hamesha kitne apne andar number of particles rakhega 6.02 exponent 23 particles which is avogadro number one avogadro number so when we are concerned with the number of particles we use the term mole, we use the quantity mole, the unit mole. And when we are concerned with the quantity of matter contained in a body, then we use the unit kilogram, and that is our answer.